बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है फर्स्ट पार्ट से. मुझे लगा था कॉमन है दोनों पिक्चर में, बहुत ही ज़्यादा अलग है, डिफरेंस है. और अर्जुन कपूर का एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त लगा मुझे इस पार्ट में. बाकी अगर जॉन की बात की जाए तो जॉन कितनी बड़ी बड़े बहुत, उनका तो माइंड ब्लोइंग, बहुत ही उनका तो अलग लेवल का एक्टिंग था उनमें. और स्टोरी बहुत अच्छा था, जो लास्ट ट्विस्ट है वो बहुत ही मतलब अलग है. मुझे तो अर्जुन कपूर. हीरोइन की बात करो. हाँ, हीरोइन में दिशा. क्या खास लग रहा है उनका? जो हर मूवी में देखा था एक पोलाइटली एक स्मूथ जो था उनका, इसमें विलन का टाइप है जो इमेजिनेशन का था, पर फिर भी बेस्ट था, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट था. पाँच में से पाँच बहुत ही ज़्यादा. मुझे तो मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया इस मूवी में. थैंक यू गॉड. बहुत अच्छी लगी फिल्म मुझे एक विलन, क्योंकि पिछले एक विलन से इस विलन को कनेक्ट करके रखा था. और रही बात स्टोरी, डायरेक्शन बहुत सुपर था, क्योंकि मैं तो चाहूँगा कि मोहित सूरी मेरा सबसे फेवरेट है और मैं भी डायरेक्टर हूँ एक, तो मैं कहूँगा मोहित सूरी को हैट्स ऑफ है. स्टोरी बहुत अच्छी थी, जॉन मेगा काम भी बहुत अच्छा था, अर्जुन का काम भी बहुत अच्छा था, दिशा पटनी काम अच्छा था. सस्पेंस टू सस्पेंस, मतलब जो एक अब्बास मस्तान याद आ रहा था मुझे, लिटरली अब्बास मस्तान जी याद आ रहे थे कि कहानी में स्टोरी को बिल्कुल जोड़ के रखना, ऑडियंस को जोड़ के रखना कि ये विलन है वो विलन है. बट क्लाइमेक्स जो इसका अल्टीमेट सुपर म्यूजिक पार्ट मुझे KGF की तरफ लेके चला गया था. हाँ, स्माइली रेटिंग 5. बिल्कुल सब, मैं चाहूँगा कि ऑडियंस अपील है वापस से जरूर देखे इसको, जो भी जिसने भी नहीं देखा जरूर देखे. विलन रिटर्न्स नाइस, बहुत अच्छी लगी. और बहुत टाइम के बाद एक सस्पेंस थ्रिलर, साइकोलॉजिकल थ्रिलर देखने मिली, बहुत मजा आया. 4 stars. बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स है, मतलब लास्ट तक पता ही नहीं लगता कि विलन कौन है. चारों लगते हैं, तारा सुतारे विलन हो सकती है, दिशा पटानी भी हो सकती है, जॉन इब्राहिम भी हो सकते हैं, और चौथी कौन है, अर्जुन कपूर. अर्जुन कपूर की लुक बहुत अच्छी है, वेरी नाइस. वो हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, वही तो सस्पेंस है. वही है कि हीरो कौन है और विलन कौन है. वो मूवी में तो हमें पता था कि मतलब वो मूवी सिद्धार्थ मल्होत्रा थे और रितेश देशमुख थे, और जो सीरियल किलर दिखाए हैं, और उनके साथ श्रद्धा कपूर थी. लेकिन ये मूवी मोहित सुर यही है कि हर बार एक नया ट्विस्ट लेके आता है, और ये मूवी तो फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स है. म्यूजिक तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा म्यूजिक है. और सारे गाने, शामत, गलिया, रिटर्न, सारे जितने भी सॉन्ग्स हैं बहुत अच्छे, तनिष्क बागची और अंकित तिवारी ने कंपोज किए हैं, बहुत अच्छे हैं. 4 stars. दो तीन बार, यंगस्टर्स तो दो तीन बार भी देख सकते हैं, इतना मतलब गाने मीनिंगफुल, सॉन्ग डायलॉग्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं हसीम अरोरा के. अच्छी लग. फिल्म का सस्पेंस जो है बता नहीं सकता अभी से. फिल्म की ताकत जो है तो म्यूजिक है, म्यूजिक और गाने. यंगस्टर के लिए बेस्ट मूवी है. 3. अर्जुन कपूर का रोल अच्छा है. और दिशा और तारा में किसने चेकिंग किया? दिशा और तारा दो एक्ट्रेस हैं ना. हाँ हाँ, किसने चेकिंग किया? दोनों का रोल अच्छा है. ऐसा क्या ऐसा नज़र आया फिल्म में लगे कि हाँ देखने लायक फिल्म है? गाने मेन तो गाने और सस्पेंस है जो है वो. अच्छा, लव स्टोरी है. और सबसे बड़ा यूएसपी क्या है? मोहित सूरी डायरेक्शन कैसा लगा आपको? अच्छा. और 5 stars कितने देंगे? 5 में कितने स्टार्स देंगे? 3 देंगे. वन टाइम वॉच बिल्कुल अच्छी नहीं लगी. और लोग शमशेरा को क्यों गालियाँ दे रहे हैं, मुझे ये लग रहा है. और मतलब इस फिल्म में था क्या? हाँ, इस फिल्म के 3 सेकंड अच्छे थे जहाँ पे रितेश देशमुख आया था. मतलब जो एक्सपेक्टेशन थी कि इतना कुछ अर्जुन कपूर ने दिखा दिया. पहली बात तो ना मुझे केमिस्ट्री अच्छी लगी, ना मुझे स्टोरी अच्छी लगी, ना स्क्रीन पे अच्छा लगा. और फालतू के गाने तो पता नहीं क्यों इतने बकवास दे दिए. एक विलन की पूरी इंसल्ट करी है रियली. ठीक है, देखो फिल्म मुझे ओवरऑल ठीक ठीक लगी है. ठीक है, पहली विलेन थी तो बहुत ही अच्छी थी, ये तो मुझे थर्ड क्लास लगी है. सही बताओ तो मज़ा नहीं आया मुझे. रीज़न क्या है कि देखो स्टोरी पता नहीं कहाँ जा रही है. ठीक है, और समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है स्टोरी के अंदर. एक्शन 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 एक्शन. पहली वाली विलेन बहुत अच्छा काम किया था सबने. हाँ हाँ, बट शमशेरा मुझे जो लोगों ने उसके माउथ पब्लिसिटी कर रहे हैं वो शमशेरा लागूना बेटर है इससे. हाँ, लागूना बेटर. नहीं ऐसा नहीं कह सकते देखने लायक. देखने लायक है कि मैं क्या बोलूँ, बस ठीक है. 2 दूंगा मैं तो यार. मूवी सर, ओवरऑल मूवी बताऊँ तो मूवी में
ये लगा लो पहले से तो बेटर नहीं थी, सही बताऊँ तो, बिकॉज सब लोग बता भी देंगे बाद में। जॉन की एक्टिंग काफ़ी अच्छी लगी, जॉन अब्राहम की, बिकॉज जॉन को ये कैरेक्टर सूट भी करता है। और इसके अलावा अर्जुन कपूर की एक्टिंग मुझे ऑथेंटिक नहीं लगी जी, जो परफॉर्म चाहिए था जिस लेवल का। शुरू में उनको बिल्कुल एक एटीट्यूड बॉय दिखाया गया है जो सरफिरा किस्म का है, उनको उस तरीके से वो मुझे लगता है नहीं दिखा पाए। लास्ट में जो चेंजेस आए उनमें, उन चेंजेस को भी वो आँखों में नहीं दिखा पाए। लाइक जॉन जैसे उन्होंने दिखाया, चेंजेस दिखाए, प्यार दिखाया, मजबूरी दिखाई, वो पागलपन दिखाया, वो चेंजेस उनकी आँखों में वो टाइम टू टाइम दिखाई दिया, एक ऑथेंटिक परफॉर्म जो एज एन एक्टर होना चाहिए, जॉन में नहीं दिखा। और बाकी जो पुलिस वाले जो किरदार निभा रहे थे इसमें, क्या नाम उनका, जो आशिकी 2 में जो फ्रेंड बनते हैं उनके, हाँ उनकी तो परफॉर्म और बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल जीरो लगी पुलिस के होने के नाते। बिकॉज मैं एक पुलिस फैमिली बैकग्राउंड से हूँ, मेरे पापा CID में है, मेरे चाचा पुलिस में है, तो मैं तो बहुत अच्छे से ये बॉडी लैंग्वेज कर रहा हूँ। मैं भी एक्टर हूँ, मैं भी थिएटर किया है, मैंने थिएटर में मैंने पुलिस का काफ़ी बार कर दिया। हाँ अर्जुन कपूर का वो परफॉर्म नहीं लगता ऑथेंटिक, वो बॉडी लैंग्वेज में ही नहीं लगता मुझे, एक हीरोइज्म जो होता है। अब उनको तो उनको देखो इंडस्ट्री पे राज करते हैं लोग, उनको काम क्यों नहीं मिलेगा। एज एन एक्टर थोड़ा उनको मतलब देखो, उन्होंने वो चीज़ें नहीं देखी है, उन्होंने बचपन से, हाँ जैसे कि जो मेहनत करके आ गया था वो परफॉर्म उनका नहीं कर पाए, बिकॉज वो रिसर्च से आता है, आपकी खुद की जो ज़मीनी हकीकत वो आपने देखी हो, वो चीज़ें कुछ तभी आती है, उनका कसूर नहीं है इसमें, नहीं कह सकते, बिकॉज उनको चीज़ें विरासत में मिली है, तो क्या कह सकते। तारा की बहुत अच्छी एक्टिंग लगी। दिशा कैसी है? दिशा की तो देखो, दिशा की अपील दूसरी है, उनको एक्टिंग अपील से तो क्या ही जोड़े। हाँ दिशा का चेंजेस पता ही नहीं चला कब चेंजेस, शुरू में बिल्कुल उसको दिखाया था, उसकी एंट्री दिखाई थी तो ऐसा लगा था कि बहुत ही एक डाउन टू अर्थ घर से, फैमिली से, गरीब फैमिली से बिलोंग रखने वाली एक सीधे साधी लड़की काइंड ऑफ एंट्री दिखाई थी, और बाद में जैसे चेंजेस आने लगे कुछ अलग लेवल चेंजेस आ रहा है तो वैसा लगा। बाकी ठीक है, अच्छी थी, कोशिश अच्छी थी कि शुरू में, इंटरवल कब हो गया पता ही नहीं चला। सर फिल्म अच्छी थी, कलाकार भी अच्छे काम किए अपने अपनी जगह, सबने अच्छा काम किया, और जैसा कि हम जानते हैं मोहित सूरी सर डायरेक्टर हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया है, और गाने भी अच्छे थे, और फिल्म कहीं ना कहीं एक तरफ बांध के रखती है कि अब क्या होने वाला है, इसके बाद क्या होने वाला है, तो एंड में जाके कहीं रिवील होता है क्लाइमैक्स में कि ऐसा हुआ, मतलब शक कहीं और जाता है, होता कुछ और है। और जो लव स्टोरी की बात करें तो ऐसा लग रहा था कि अपनी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है, मतलब गुजरा हुआ है, कि हाँ प्यार मोहब्बत जो होता है ऐसा तो हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ हुआ रहता है, तो मज़ा आया देखने में, और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी देखें, और लोगों को भी देखना चाहिए, एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए मूवी, और अच्छी है, गाने भी हिट हिट हैं इसमें, मतलब जो खुद को पसंद आया लव स्टोरी गाने, और बाकी थैंक यू। एक्टिंग म्यूजिक एंड स्टोरी वाइज ऑल आर गुड, और जैसे मैंने अभी सबको रिव्यू यही दिया कि स्टोरी लाइन मुझे थोड़ी सी वीक लगी डायरेक्टर सर को क्लियर करने में, कहीं ना कहीं थोड़े वीक हो गए, क्योंकि एक ये रोमांटिक फिल्म है, और रोमांटिक फिल्म का म्यूज़िक जितना हार्ट टचिंग होता है उतनी दिल की गलियां खुल जाती है, इसलिए एक विलन के कंपैरिजन में रिटर्न का जो म्यूज़िक है वो मुझे थोड़ा कम लगा, और एक्टिंग वाइज तो ऑल आर अमेजिंग, स्टोरी लाइन बस थोड़ी सी मुझे क्लियर करने में डायरेक्टर सर वीक लगे। अर्जुन कपूर और जॉन में कौन बेहतर लग रहा है आपको? कंपैरिजन किया जाए तो ऑल दोनों गुड है, कोई कंपैरिजन नहीं है, दोनों को जो कैरेक्टर दिया उन्होंने 100% उसको प्ले किया, और बहुत अच्छा प्ले किया। नहीं दोनों के चारों प्ले, जो चारों को जो कैरेक्टर दिया गया चारों ने अपना 1000% दिया, इसलिए नो कंपैरिजन। म्यूज़िक में मैं ज़रूर कंपैरिजन करूँगी एक विलन और रिटर्न में, मुझे एक विलन का म्यूज़िक इसके कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि वो म्यूज़िक सुनने के बाद हम और ज़्यादा रोमांटिक रोमांस की गलियों में चले जाते, और इसमें इतना नहीं जा पाए। हाँ देख सकती हूँ, क्योंकि ये फुल ऑफ एंटरटेनमेंट है।